स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एग्जाम. दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम माय चाइल्डहुड. दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट, सो वॉच द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टू लर्न प्रॉपरली. लेट अस स्टार्ट. व्हेन डिड एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम इंडियाज 11th प्रेसिडेंट. एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति कब बने. ए 2002, बी 2007, सी 2003, डी 2005. एपीजे अब्दुल कलाम बीकेम इंडियाज 11th प्राइम मिनिस्टर इन 2002 एंड टिल 2007. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 2002 टू 2007. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है. माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, विंग्स ऑफ फायर, नन ऑफ दीज. द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज विंग्स ऑफ फायर. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, वेयर वाज कलाम बॉर्न. कलाम का जन्म कहाँ हुआ था. ऑप्शन ए एट आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन मद्रास स्टेट, बी इन महाराष्ट्र, सी इन कर्नाटका, डी इन चेन्नई. ए पी जे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न एट आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन मद्रास स्टेट. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड इज टेकन फ्रॉम. चैप्टर माई चाइल्डहुड कहाँ से लिया गया है. ए चाइल्डहुड मेमोरीज, बी प्रोफेसर ए पी जे अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर. ए पी जे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर बुक से जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी बुक महात्मा गांधी जी की पुस्तक से, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं. द चैप्टर माई चाइल्डहुड इज टेकन फ्रॉम प्रोफेसर ए पी जे अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, नेम थ्री फ्रेंड्स ऑफ कलाम. कलाम के तीन मित्रों के नाम क्या थे, यानी कि जब चाइल्डहुड था उनका स्टूडेंट थे उस समय उनके थ्री फ्रेंड्स कौन थे. रमंदा शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन, ऑल ऑफ दीज. थ्री फ्रेंड्स ऑफ ए पी जे अब्दुल कलाम वाज बहन ही वाज स्टूडेंट रमंदा शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. शिव प्रकाशन, अरविंदन, रमंदा शास्त्री. सो ऑप्शन ए डी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज कलाम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अब्दुल कलाम की आयु क्या थी. 9 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड. ए पी जे अब्दुल कलाम बाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार 11 ईयर्स ओल्ड. सो ऑप्शन सॉरी 8 ईयर्स ओल्ड. इन 1939 स्टार्टेड सेकेंड वर्ल्ड वार. एट दैट टाइम ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर. कलाम को अपने पिता से विरासत में क्या मिला. इनहेरिट विरासत में क्या मिला. हैट्रीट घृणा, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन,
ईमानदारी और स्वानुशासन, टू फाइट लड़ाई, टू बी एरोगेंट। कलाम गॉट इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट, वहनबाज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, कलाम का जो एंसेस्ट्रल हाउस था, पूर्वजों का मकान था, फोर फादर्स हाउस था, वो कहाँ बना था, कब बना था, वहन कब बना था, इन 18th सेंचुरी 18वीं सदी में, इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी 19वीं सदी के बीच में, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड की स्टोरी का थीम क्या है, चिल्ड्रंस आर प्रेशियस, चाइल्डहुड इज ए ट्रेजर, सोसाइटी मस्ट बी हार्मनी, सोसाइटी एनवायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप वंस लाइफ। द थीम ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड इज सोसाइटी एनवायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप्स वंस लाइफ, यानी कि समाज, सोसाइटी, समाज, एनवायरमेंट परिवेश, चाइल्डहुड बचपन के अनुभव शेप आकार देते हैं, वंस लाइफ किसी के जीवन को, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड रिलेटेड APJ अब्दुल कलाम ऑटो बायोग्राफी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन, लेसन की सीख क्या है, क्या संदेश देता है लेसन, म्यूचुअल ट्रस्ट पीस एंड हारमोनी आर मस्ट फॉर ए सोसाइटी, म्यूचुअल ट्रस्ट पीस और हारमोनी एक सोसाइटी के लिए आवश्यक है, लाइव हैप्पली, फाइट फॉर योर राइट्स अपने अधिकारों के लिए लड़ना, डी हैव फायर ऑन योर विंग्स। सो क्वेश्चन 10, करेक्ट ऑप्शन विल बी म्यूचुअल ट्रस्ट पीस एंड हारमोनी आर मस्ट फॉर सोसाइटी, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज एसेंशियल फॉर ऑल राउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लेसन, लेसन के अनुसार सर्वांगीण विकास क्या है, टॉलरेंस, संयम, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, ब्रदरहुड, भाईचारा, ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू लेसन एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लेसन इज टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ब्रदरहुड, ऑल ऑफ दीज, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ब्रदरहुड भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए और टॉलरेंस भी चाहिए फॉर ऑल ग्रोथ, ऑल राउंड ग्रोथ। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर अय्यर चेंज हिज वाइफ नोशन, मिस्टर अय्यर ने अपनी पत्नी के नोशन को किस प्रकार चेंज किया, बाई फोर्स, बल के द्वारा, बाई शोइंग हर आइज, उसको आंखें दिखाकर, वाई लेक्चरिंग हर, उसको व्याख्यान देकर, वाई हिज ओवन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर, अपना स्वयं का व्यवहार और उदाहरण देकर, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इन व्हाट सेंस वाज कलाम्स चाइल्डहुड सिक्योर, किस सेंस में जो कलाम का जीवन था वो सिक्योर था बचपन, ए ही वाज गेटिंग ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक गुड फूड, क्लॉथ्स, स्टडी, बी पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट, सी गुड सोसाइटी, डी ऑल ऑफ दीज। कलाम्स चाइल्डहुड वाज सिक्योर ड्यू टू ही वाज गेटिंग ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड स्टडी, पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट, गुड सोसाइटी, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ये चीज़ें कलाम को इनहेरिट मिल रही थी। नेक्स्ट,
व्हाट डज मेटेरियल सोसाइटी मीन इन द लेसन? लेसन में मेटेरियल सोसाइटी का क्या मीन है, क्या मतलब है? ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की सभी बेसिक आवश्यकताएं, मेटलिस्टिक पजेशंस, वेल्थ, रिचेज। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट डज इमोशनल सिक्योरिटी मीन्स? इमोशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? इमोशनल सिक्योरिटी मीन्स लाइफ फुल ऑफ एंग्जाइटी, बैलेंस ऑफ इमोशंस, कंट्रोल ओवर इमोशंस, लव एंड केयर टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, लव एंड केयर टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए लव और केयर लीड करता है, आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, विच सीड डिड कलाम कलेक्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार में कलाम किसके बीजों को कलेक्ट किया करते थे? सीड्स, बीज, लिन सीड्स, टेरेरिंड सीड्स, ऑरेंज सीड्स, मैंगो सीड्स। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार APJ अब्दुल कलाम कलेक्टेड टेरेरिंड सीड्स, इमली के बीज। नेक्स्ट, व्हाई डिड कलाम कलेक्ट टेरेरिंड सीड्स? कलाम ने टेरेरिंड सीड को क्यों कलेक्ट किया? टू गो प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए, टू ईट देम, खाने के लिए, टू अर्न गुड मनी, एक अच्छा धन कमाने के लिए। नन, APJ अब्दुल कलाम कलेक्टेड टेरेरिंड सीड्स टू अर्न गुड मनी। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, टू अर्न गुड मनी। नेक्स्ट, वेयर डिड कलाम सेल सीड्स? कलाम बीजों को कहाँ बेचा कर रहते थे? टेरेरिंड के जो बीज कलेक्ट करते थे, इन ए मार्केट, टू अदर चिल्ड्रन, प्यूपिल ऑफ ए सोसाइटी, टू ए प्रोविजन स्टोर ऑन मास्क स्ट्रीट। अपनी मास्क स्ट्रीट में, मस्जिद की गली में, एक प्रोविजन स्टोर को वो टेरेरिन सीड्स को ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार बेचा करते थे टू गेट गुड मनी। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स? टेरेरिन सीड्स को बेचकर APJ अब्दुल कलाम ने कितना धन कमाया? टू आना, थ्री आना, वन आना, फोर आना। कलाम अर्न्ड आफ्टर सेलिंग सीड्स वन आना। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु वाज शमसुद्दीन? शमसुद्दीन कौन थे? फैमिली मेंबर थे, कलाम्स ब्रदर, कलाम के भाई थे, कलाम्स फ्रेंड, मित्र थे, कलाम्स नेबर, उसके पड़ोसी थे, कलाम्स कजिन, कलाम्स के कजिन थे। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड शमसुद्दीन डू? शमसुद्दीन ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, हेल्प कलेक्टिंग सीड्स, प्लेट चेस ऑल द टाइम, हेल्प्ड इन सेलिंग सीड्स। शमसुद्दीन कलाम्स कजिन, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन द रामेश्वरम। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट बेच? अपनी पहली आमदनी प्राप्त करने के लिए किसने सहायता की कलाम की? अरविंदन, हिज पेरेंट्स, सी टीचर्स, डी शमसुद्दीन। ऑप्शन डी, हिज कजिन शमसुद्दीन हेल्प्ड कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट बेच। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड कलाम फील सैड? कलाम ने दुख महसूस क्यों किया? व्हेन ही वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड इन एलिमेंट्री स्कूल, जब वो प्रारंभिक क्लास में थे, प्राइमरी स्कूल में थे, तो उनको दुख क्यों हुआ? ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, उन्होंने अपना कार्य नहीं किया। टीचर स्कोल्डेड हिम, अध्यापक ने उनको डांटा। हिज टीचर डिड नॉट लेट हिम सिट, उनके अध्यापक ने उनको नहीं बैठने दिया। विद हिज हिंदूज फ्रेंड, अपने हिंदू मित्र के साथ, इन द फर्स्ट रो प्रथम पंक्ति में, बिकॉज ही वाज ए मुस्लिम,
क्योंकि वह एक मुस्लिम थे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हिज टीचर डिड नॉट लेट हिम सिट विद हिंदूज फ्रेंड इन द फर्स्ट रो बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो ही फेल्ट सॉरी। नेक्स्ट, हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड। कलाम के क्लोज फ्रेंड कौन थी? रमंदा शास्त्री, शमसुद्दीन, हिज फादर, नन। रमंदा शास्त्री वॉज हिज क्लोज फ्रेंड ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड टीचर सेपरेट कलाम फ्रॉम हिज फ्रेंड। अध्यापक ने कलाम को उनके फ्रेंड से अलग क्यों कर दिया? देवर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बातें कर रहे थे। देवर नॉट डूइंग देयर वर्क, अपना कार्य नहीं कर रहे थे। देवर डिस्टर्बिंग क्लास, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे। बिकॉज ऑफ हिज ओन नोशन ऑफ सोशल रैंकिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्योंकि उनका अपना नोशन था सोशल रैंकिंग का और रिलीजियस डेमिक्रेशन का। नेक्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ रमंदा शास्त्री। रमंदा शास्त्री के फादर का क्या नाम था? राजकुमार शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री, रमेश शास्त्री, अरविंदन शास्त्री। लक्ष्मण शास्त्री वॉज द फादर ऑफ रमंदा शास्त्री। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एज ए मुस्लिम बॉय। कौन सी ऐसी पहचान अब्दुल कलाम को मुस्लिम स्टूडेंट के रूप में, लड़के के रूप में परिभाषित करती है? ही स्पोक उर्दू, उर्दू बोलते थे। ही वोर ब्लैक क्लॉथ, काले कपड़े पहनते थे। ही वोर ए कैप, ऑल ऑफ द एबव। ही वोर ए कैप। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ड्यूरिंग स्टडीज ही वोर ए कैप। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज शिव शिव सुब्रमण्यम। शिव सुब्रमण्यम किस प्रकार के व्यक्ति थे? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। काम एंड जेनेरियस, शांत और उदार थे। बिलीव्ड इन द इक्वालिटी एंड वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। विश्वास करते थे समाज की एकता में और समाज में सुधार लाना चाहते थे। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ही वॉज ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ही वॉज काम एंड जेनेरियस, ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाई डिड सुब्रमण्यन शिव सुब्रमण्यम सर्व कलाम्स हिमसेल्फ एंड सेट विद हिम टू ईट। शिव सुब्रमण्यम सर्व कलाम हिमसेल्फ एंड सेट हिम टू ईट टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस बिकॉज ही वॉज ब्लेस्ड बिहेवियर ऑफ हिज कंजर्वेटिव वाइफ टू शो इक्वल रेस्पेक्ट फॉर एवरीबडी because he wanted to prove himself great to demoralize his wife. Option A will be correct. To avoid any disturbance because of racist behavior of his conservative wife. So option A will be correct. Shiv Subramania served Kalam himself and said with him to eat because he wanted to avoid any disturbance because of the racist behavior of his conservative wife. Next, Sankirn Vicharo ki Patni. Next, who spoke Khalil? Gibran's birds. Your childrens are not. आपके बच्चे नहीं हैं। Who spoke Khalil Gibran's birds? कौन बोला खलील गिब्रंस के शब्दों पर?
शिव सुब्र रमनिया शमसुद्दीन कलाम्स फादर डी नन। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कलाम्स फादर। नेक्स्ट, वेयर वाज कलाम्स हाउस, कलाम्स का घर कहाँ था? नियर सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के पास, नियर ए पार्क, पार्क के पास, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद के पास, नन। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑन ए मॉस्क स्ट्रीट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। नेक्स्ट, व्हाट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स, कलाम ने क्या सोचा और अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहा? दे आर टॉल, हैंडसम, वाइज, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दे आर टॉल, हैंडसम, दे आर वाइज। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल द अबव। नेक्स्ट, व्हाई डिड कलाम्स फादर से खलील्स गिब्रंस वर्ड्स योर फादर आर नॉट, योर चिल्ड्रन आर नॉट, पर कलाम्स के फादर ने खलील गिब्रंस के शब्दों पर क्या कहा? टू बोस्ट, टू आस्क हिज वाइफ नॉट टू स्टॉप देयर यंग सन फ्रॉम गोइंग आउट, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने यंग सन को फ्रॉम गोइंग आउट जाने से ना रोके, बाहर जाने से ना रोके। टू बी जेनरियस उदार बनने के लिए कहा, डी ऑल। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, टू आस्क हिज वाइफ नॉट टू स्टॉप देयर यंग सन फ्रॉम गोइंग आउट। नेक्स्ट, हुम डिड कलाम्स फादर से दीज वर्ड्स, हुम किसे कलाम के पिता ने ये शब्द कहे? योर चिल्ड्रंस आर नॉट, टू कलाम, टू शमसुद्दीन, टू हिज वाइफ, टू मिस्टर अय्यर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, टू हिज वाइफ। नेक्स्ट, लास्ट एम सी क्यू, द नेम ऑफ द अब्दुल कलाम्स फादर वाज, अब्दुल कलाम के फादर का नाम था जैनू आबिदीन, शमसुद्दीन, रहीमुद्दीन, नन ऑफ दीज। जैनुल आबिदीन वाज द नेम ऑफ कलाम्स फादर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इन दिस वीडियो वी हैव करेक्ट 35 इम्पोर्टेंट एम सी क्यू फॉर एग्जाम। इफ वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।